हाईटेक ठगी के मकड़ जाल में जकड़ा है तराई का खीरी जिला। कहीं नागमणी तो कहीं दो मुहासाप और मोरपंख से होती रही ठगी के बाद अब आपको हम रूबरू कराते हैं एक ऐसे करामाती बल्ब से जो सोने को अपनी तरफ खींचता है। यह सुनकर तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इन तस्वीरों में पुलिस कस्टडी में खड़े यह तीन नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस और खीरी पुलिस की चूर हिला देने वाले हाईटेक ठग है। इनकी ठगी का अंदाज ही कुछ निराला है। यह हाईटेक ठग पहले तो बड़े व्यापारियों का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन्हें अपने ठगी के मकड़ जाल में फंसाते हैं, फिर करामाती बल्ब की करामत दिखाकर ठगी का शिकार बनाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां दिल्ली के व्यापारी नितेश मल्होत्रा को करामाती बल्ब दिखाकर ठगों ने 9 लाख की ठगी कर डाली। दरअसल ये करामाती बल्ब नहीं बल्कि ठगी करने का नया तरीका है। ठगों ने इस बल्ब का एक वीडियो बनाकर YouTube पर डाल दिया, जिसमें यह करामाती बल्ब सिर्फ सोने की धातु को अपनी ओर खींचता दिखाई देगा, जिसे देख दिल्ली का व्यापारी सोना खींचने की लालच में 9 लाख की ठगी का शिकार हो गया और लखीमपुर खीरी में बल्ब के बदले पैसे का लेन देन हुआ। लेकिन व्यापारी को जब इस करामाती बल्ब की असलियत का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और ठगी होने की शिकायत दिल्ली पुलिस को दे दी। दिल्ली पुलिस ने इस ठगी के मामले में लखीमपुर खीरी पुलिस की सहायता मांगी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इन सभी ठगों को अपनी सूझबूझ से हिरासत में लिया और ठगी के 9 लाख में से 8,87,000 रुपए इन ठगों से बरामद कर शिकार हुए दिल्ली के व्यापारी को सौंपे, जिसके बाद दिल्ली के व्यापारी ने लखीमपुर फ्री पुलिस को धन्यवाद दिया। वही गिरफ्तार किए गए तीनों ठगों को पुलिस ने संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। सर, हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें फोन कॉल आया था इनका अपने मित्र के थ्रू कि यहाँ पे आ जाइए लखीमपुर में, वहाँ पर एक ऐसा बल्ब है जो सोने को खींचता है और आगे जाके उससे बहुत लाभ होता है और धन संपत्ति में आगे जाके बहुत फायदा मिलता है। तो सर, हम इसी करते हुए हम आ गए लखीमपुर। हमने उनको फिर फोन किया थर्सडे को, तो उन्होंने हमारे से बोला कि इंदिरा पार्क में आइए। तो उन्होंने हमें एक रकम बोली थी इसकी 9 लाख रुपए। तो हम सर वो लेकर आए, तो उसके बाद इन्होंने हमें वो बल्ब दिखाया और उस बल्ब से सोना खींचता था और ऐसी ऐसी चीज़ें कर दिखाते रहे हमें नकलीपन में, और हमने उनको पैसे पकड़ाए और उन्होंने सर हमारे साथ ठगी करी और फर्जी बल्ब दे के उन्होंने हमें वहाँ से ये भाग लिए। हम सर कोतवाली पहुँचे और हमने ये सारा जो हमारे साथ हुआ बताया, तो उन्होंने यूपी पुलिस ने और जानकारी सारी लेने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया। सर, मैं SI अनिल साहब जी का और उनके साथ जो टीम लगी हुई थी, जिसमें 4-5 और लोग थे क्राइम ब्रांच के, यूपी क्राइम ब्रांच के, और उन्होंने पूरा कोऑपरेट करके इन्हें धर दबोचा। ये थाना सदर पे हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली के रहने वाले नितेश मल्होत्रा और उनके एक दोस्त को लखीमपुर खीरी से एक व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किया गया और उनको एक करामाती बल्ब बेचने के लिए उनको ऑफर किया गया। द्वारा निरंतर कई दिनों से उनके साथ बातें की जा रही थी और उनको इस झांसे में देखकर लखीमपुर उन्हें बुलाया गया और यहां पर बल्ब उनको दिखाया गया, जिसमें चुंबक की मदद से और उनको साथ ठगी करते हुए उनसे 9 लाख रुपए में वो बल्ब उनको बेच दिया गया। जब उनको पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है तो उन्होंने थाने पर संपर्क किया। सदर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर और जो वादी मुकदमा है उनके द्वारा जो क्लू इसमें दिए गए, उसमें हमारे द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 8,87,000 रुपये ठगी के बरामद हुए हैं और वो जो करामाती बल्ब है वो भी पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है। मेरा मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से यही अनुरोध है, आग्रह है और अपील है कि इस प्रकार के किसी भी करामाती बल्ब के बातों को सुनकर उनके झांसे में ना आए और इस तरह से आपके साथ ठगी हो सकती है। और इस प्रकार की कोई भी अगर आपको कोई पेशकश करता है तो उसके लिए तुरंत आप पुलिस को सूचित करें।